ये है हीरो की तरफ से आने वाली एक्सट्रीम 160 आर 2024 का लेटेस्ट वाला मॉडल, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये टॉप वाला मॉडल है, यहाँ पे आप देख लीजिए बाइक। हमारे सामने अभी दो मॉडल खड़े हुए हैं, एक है यहाँ पे ग्रीन वाला वेरिएंट, काफ़ी अच्छा है, और ये लाइट ग्रीन आपको मिल जाता है। बाकी अपन बाजू में देखें ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। दोनों बाइक काफ़ी अच्छी हैं और दोनों सेम है। कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दोनों में मिल जाता है। इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे वीडियो में, वीडियो पर बने रहिएगा आप। बाकी बता दें ये 4 वॉल्व के साथ आ रही है, और 2024 में आपको क्या प्राइस इस बाइक का होने वाला है इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे। सबसे पहले बता दें इसके दो मॉडल आते हैं। हमारे सामने अभी ये टॉप वाला मॉडल खड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए बाइक। 360 व्यू दिखा देते हैं, यहाँ से आप रियर व्यू वगैरह देख सकते हो। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाता है, डुअल डिस्क देखने को मिल जाता है। साथ में इसमें जो है ABS के साथ है ना, तो आपको ब्रेक सिस्टम काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और ये जो बाइक है ऑयल कूलेट के साथ आ रही है, काफ़ी अच्छी बाइक है। तो सबसे पहले इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल की तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ से आप इसका फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हो, काफ़ी मस्कुलर लुक इसमें मिलने वाला है। साथ में बता दें इसमें आपको LED सिस्टम देखने को मिलेगा, चालू करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दोनों तरफ DRL मिल जाता है, यहाँ साइड में काफ़ी अच्छा लगता है LED के साथ है। और इस बाइक का मैल लाइट चालू करके दिखा देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल LED के साथ यहाँ पे मैल लाइट मिल जाती है, काफ़ी अच्छी है। इंडिकेटर की बात करें तो टोटल ये भी LED के साथ मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसमें इंडिकेटर मिल जाता है, और ये स्पोर्ट लुक में मिलता है। बाकी आपको सामने की तरफ दो DRL मिल जाते हैं, हीरो का यहाँ पे बैजिंग मिल जाता है 3D में, और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है। बाकी यहाँ सामने की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आप इसका शॉकअप देख सकते हो। सस्पेंशन जो है आपको USD वाला मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको सस्पेंशन में गोल्डन का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ABS की बैजिंग मिल जाती है। बाकी एलॉय देख सकते हो, एलॉय काफ़ी अच्छा इसमें मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 100/80/17 का टायर साइज मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे टेपिंग देख सकते हो, अलॉय में ग्रीन वाला टेपिंग इसमें मिल जाती है। और यहाँ साइड की तरफ आए तो ये रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें आपको रेड कलर की टेपिंग मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको दिखा देते हैं ABS का यहाँ पे मॉडल मिल जाता है, यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS के साथ आ रही है। साथ में जो डिस्क साइज है 276 mm का यहाँ पे डिस्क साइज मिल जाता है, बाकी ट्यूबलेस के साथ है। और यहाँ पे आप डिस्क देख सकते हो, ABS की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे देखें मडगार्ड, तो आपको ग्लॉसी लुक मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ नीचे की तरफ आपको मैट फिनिश में मिल जाता है, कलर कॉम्बिनेशन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ से आप बाइक देख सकते हो। अब आते हैं इसके मीटर की तरफ, तो इसके मीटर की भी बात कर लेते हैं कि इसमें मीटर कैसे मिलता है। यहाँ पे आप इसका मीटर देख सकते हो, इसका मीटर चालू करके दिखा देते हैं। चालू होने पर कुछ इस तरह से आपको मीटर शो होने वाला है, और इस मीटर में आप ब्राइटनेस जो है ना, इसका आप अप और डाउन कर सकते हो। ABS का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है, हाई बीम, लो बीम, चेक इंजन लाइट, न्यूट्रल, और यहाँ पे आपको दो बटन मिल जाती है, एक साइड में और इस साइड, तो आप ट्रिप वगैरह यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। इसमें आपको टाइम देखने को मिल जाएगा फ्यूल गैस के लिए, आपको गियर का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप न्यूट्रल देख सकते हो, न्यूट्रल है अभी बाइक, अभी आपको सारे नोटिफिकेशन इसमें मिल जाएगा। इसमें जो है आपको डिजिटल मीटर का सपोर्ट मिल जाता है, एनालॉग मीटर इसमें नहीं आता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो की लिए यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है। चालू होने पर कुछ इस तरह से आपको मीटर शो होने वाला है। बाकी यहाँ पे आप की देख लीजिए बाइक का, काफ़ी अच्छा इसमें की मिल जाता है। और यहाँ नीचे की तरफ दिखा दे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो है आपको USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है अंदर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके थ्रू आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे आप फ्यूल टैंक देख लीजिए, फ्यूल टैंक जो है टोटल 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और इसमें आपको फाइबर मटेरियल यूज़ किया गया है ऊपर की तरफ। यहाँ पे आपको 3D में देख सकते हो एक्सट्रीम लिखा हुआ मिल जाएगा, ऊपर की तरफ हीरो की बैजिंग मिल जाती है, E20 पेट्रोल का यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको फ्यूल कैप जो है सिल्वर कलर में फ्यूल कैप मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप कलर देख सकते हो, कलर जो है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और इसमें आपको ग्रीन का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा हाईलाइट। यहाँ पे आपको 160R की बैजिंग मिलने वाली है, ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ आप ब्लैक का कॉम्बिनेशन की तरफ देख सकते हो, इसमें टोटल आपको ब्लैक और रेड का यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, इसमें आपको स्टिकर वगैरह रेड में मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप हैंडल बार देख सकते हो, हैंडल बार जो है टोटल स्टील का हैंडल बार मिल जाता है। और बटन से यहाँ पे आप देख लीजिए, काफ़ी प्रीमियम बटन इसमें मिल जाती है। यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम, ऊपर की तरफ आपको पासिंग लाइट मिल जाती है, और आपको यहाँ पे ग्रे कलर का बटन मिल जाता है, और इसमें आपको नीचे की तरफ हॉर्न मिल जाता है। साइड की तरफ आए तो यहाँ पे आपको हजार लाइट मिल जाती है, और यहाँ पे आपको इंजन कट ऑफ स्विच मिल जाता है, और साथ में आपको सेल्फ बटन एक साथ मिल जाती है। और यहाँ पे आप बाइक का सीट देख सकते हो, सीट जो है स्प्लिट सीट का इसमें ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आपको सीट का जो हाइट है ना, 795 mm का यहाँ पे सीट हाइट मिल जाता है, काफी प्रीमियम सीट मिल जाती है। दो लोग के लिए आराम से आपको स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है।
बाकी यहाँ पे आपको इंजन दिखा देते हैं। इंजन यहाँ पे आप देख सकते हो 160 सीसी का यहाँ पे आपको ऑयल कूलेट के साथ इंजन मिल जाता है, और साथ में आपको फोर वॉल्व का यहाँ पे स्टिकर भी मिल जाता है। फोर वॉल्व के साथ है यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस जो है 165 mm का नीचे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। इसमें जो है आपको किक देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये सेल्फ के साथ स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पूरा इंजन। इसमें जो है आपको ऑक्सीजन सेंसर मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑयल कूलेट वाला टोटल सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पे आपको बैजिंग भी मिल जाती है ऑयल कूलेट की, और इसमें जो है आपको सिंगल प्लग का सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हीरो कंपनी की बैजिंग मिल जाती है। साथ में बता दें इस इंजन में आपको 5 गियर का सपोर्ट मिल जाता है, तो वाइब्रेशन वगैरह इस इंजन में कुछ नहीं आता है, काफ़ी स्मूथली चलती है, वाइब्रेशन वगैरह समझ में नहीं आएगा। बाकी ये फ्यूल इंजेक्शन के साथ आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो है आपको 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल मेंटेनेंस करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आप ब्रेक लीवर देख लीजिए, इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। रियर वाला ब्रेक आप अप्लाई करोगे तो फ्रंट वाला भी लग जाता है। यहाँ पे आप ब्रेक ऑयल डाल सकते हो। बाकी बता दें इसमें आपको मोनोशॉक का सपोर्ट मिल जाता है, अंदर की तरफ आपको एडजस्टेबल वाला मोनोशॉक मिल जाता है, यहाँ पे आपको मड ब्लैम मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हीरो की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको बता दें जो ग्रैब रिल है टोटल स्प्लिट में ग्रैब रिल मिल जाती है ब्लैक कलर में। बाकी जो टेन लाइट वगैरह यहाँ पे आपको एक्स करके टेन लाइट मिल जाती है, इसको चालू करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप टेन लाइट वगैरह देख लीजिए, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर वगैरह टोटल LED में मिल जाते हैं, और यहाँ आपको नीचे नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है, सिंगल रिफ्लेक्टर और ऊपर की तरफ लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रियर वाला व्यू काफी अच्छा मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप टायर देख सकते हो, टायर काफी आपको मोटा मिल जाता है, और इसके टायर साइज की बात करें तो 130/70x17 का यहाँ पे आपको टायर साइज मिल जाता है, काफी मोटा टायर इसमें मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिस्क है 220 mm का यहाँ पे डिस्क साइज मिल जाता है। साथ में यहाँ पे एग्जॉस्ट देख सकते हो, साइलेंसर मफलर में आपको मैट कलर का मेटल बॉडी में साइलेंसर मफलर मिल जाता है। फुट रेस्ट वगैरह जो है एडजस्टेबल वाले मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस बाइक के वेट की बात करें ना, तो यहाँ पे आप बाइक देख लीजिए टोटल 145 किलोग्राम का इसका टोटल वेट चला जाता है, और इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। फ्यूल इंजेक्शन के साथ है, और E20 पेट्रोल का अपडेट भी आ गया है, तो आपको आराम से 35 से 40 का एवरेज दे देगी ये बाइक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ आप साइड से देख लीजिए, इसमें जो है आपको लेडीज गार्ड लगा हुआ मिल जाएगा, लेडीज फुटरेस्ट इसमें नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको फुटरेस्ट जो है एडजस्टेबल वाले मिल जाते हैं। यहाँ से आप बाइक का लुक देख लीजिए, और यहाँ पे आप ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन का भी देख सकते हो। यहाँ पे देखे तो आपको 5 गियर का सपोर्ट मिल जाता है, गियर लीवर वगैरह यहाँ पे देख लीजिए, फुटरेस्ट भी मिल जाता है, साइड स्टैंड जो है कट ऑफ सेंसर वाला यहाँ पे साइड स्टैंड मिल जाता है, काफी स्मूथली काम करता है। यहाँ पे आप इंजन देख सकते हो, इंजन जो है 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूलेट वाला इंजन मिल जाता है। लेग गार्ड अभी लगा हुआ नहीं है, बाद में लेग गार्ड लग जाता है। सिंगल हॉर्न का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको फोर वॉल्व करके यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, काफी सही है। 165 mm का नीचे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और इसके इंजन की आवाज भी सुना देते हैं कि इंजन की आवाज कैसे आती है, तो आपको इंजन की आवाज सुना देते हैं। यहाँ पे आप इस बाइक का इंजन की आवाज़ सुन सकते हो, काफ़ी रिफाइंड और काफ़ी रगड़ इंजन है, पावर वगैरह काफ़ी अच्छा इसमें मिल जाता है। बाकी इस बाइक के एक्स शोरूम प्राइस की बात कर लेना, तो 1,37,600 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस चला जाता है। जो बाजू में खड़ी है उसका भी सेम प्राइस है। और इन बाइक के ऑन रोड प्राइस की बात करें ना, तो 1,67,660 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस चला जाता है। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए इसका ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन, ये भी काफ़ी प्यारा लगता है, इसको साइड से दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें भी आपको एक्सट्रीम लिखा हुआ मिल जाएगा 3D में, और यहाँ से आप इसका कलर देख सकते हो। दोनों बाइक जो है काफ़ी अच्छी है, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है। अब आप कमेंट्स करिए और बताइए इसके बारे में और क्या जानना है।